अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नदीम। आप देख रहे हैं दुबई विलेज फूड। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। हम बनाएंगे थोड़ा होटल वाले स्टाइल में, लेकिन जो टेस्ट इधर चलता है यूएई में, इतनी स्पाइसी नहीं बनाएंगे। नॉर्मल जैसे बनाते हैं इजी, वैसे बनाएंगे। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। 2 किलो हमने चिकन लिया है। ऑयल हमने रख दिया था 3 कप गर्म होने के लिए। ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है हमारा, तो अब हम चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसको 4-5 मिनट के लिए थोड़ा डीप फ्राई कर लेंगे जी। हम इसमें भी 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें जिंजर अदरक गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लगे आपका ऑयल ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऑयल आप रिमूव कर सकते हैं। इसका अदरक और जिंजर का, इसका गार्लिक का पेस्ट डालने से पहले अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर इस तरह बड़े बड़े पीसीज में काट लेने, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह बड़े पीसीज में काट के तो आप ऐड कर लें। इधर थोड़ा सा आग को स्लो करके, मीडियम लो टू मीडियम करके इसको बंद करके पकाएंगे हम 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे बंद करके, कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। जी हमको 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम हीट पे पकते हुए। आई थिंक टमाटर अब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनका छिलका वो अलहदा कर लेंगे, छिलका जो है वो निकाल लेंगे। इस तरह किसी भी चीज़ के साथ आप आराम से इसके छिलके को रिमूव कर लें। अब टमाटरों को इस तरह आप अंदर मैश कर लें, यानी टमाटरों की ग्रेवी बनेगी इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह और कुछ ऐड नहीं करते। ये टमाटरों की जो है ना, जब पक ही जाएंगे ये इनकी ग्रेवी बन जाएगी जी। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अरेबिक मिक्स मसाला 1/2 टीस्पून। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करनी। और चाट मसाला हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून, और बिल्कुल थोड़ी सी सिर्फ कलर के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये इतनी तेज़ नहीं होती, बस कलर के लिए थोड़ा सा इसको ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़े से ओनियन लिए थे, 3-4 स्प्रिंग ओनियन, ये ऑप्शनल हैं, आपका दिल चाहे तो आप डाल लें, ना दिल चाहे तो स्किप कर दें। चार पांच ग्रीन चिल्ली इस तरह साबुत ही डाल दें, काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस डाल दें, यानी इनका फ्लेवर जो है ना वो ज़रा रिलीज़ हो जाए उनके उसके अंदर। वाह, बहुत तेज़ शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जी
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल डन हो चुका है, सब कुछ रेडी है। इस स्टेज पे थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी जो है वो मसल के तो ऐसे इसमें ऐड कर दें। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर आप धनिया भी डाल सकते हैं, फ्रेश कोरिएंडर धनिया, या जूलन स्टाइल में कटा अदरक भी डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक। कढ़ाई रेडी है, अब हम आपको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। ये लें जनाब, कढ़ाई रेडी है माशाल्लाह। आप भी ट्राई करें देखें, बहुत सिंपल और बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़्यादा इसमें स्पाइसेस भी नहीं होते और बहुत टेस्टी बनती है। आप भी ट्राई करें और हमको कमेंट्स करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।